लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ है प्रीति। क्या कुछ और यात्रियों से बात हो सकती है, उनसे आप जानने की कोशिश करिए, उनसे उनका रिएक्शन लीजिए इस घटना पर, वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन में है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आरपीएफ के ही जो कांस्टेबल हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमने इनसे बात की तो इनका भी ये कहना था कि ये काफ़ी आहत है इस घटना से, क्योंकि हम मेंटली प्रेशर की जो बात है वो भी सामने आ रही थी। हालांकि और यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मुंबई में ट्रेन के अंदर गोलीकांड हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर किस तरीके की सुरक्षा ट्रेनों में होनी चाहिए, आप सेटिस्फाइड हैं? देखो, ऐसा है कि हर बॉगी में एक कंस्टेबल को रखना चाहिए। जैसे ऐसे ही कुछ हो रहा है तो सबको सेफ्टी चाहिए, ठीक। तो गांव भी जाने के लिए ट्रेन में जर्नी करने के लिए डर लगता है, तो हम लोग तो थोड़ी सी इतना तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, डर तो लगेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता? बिल्कुल, तो ये चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है, लोगों का लगातार रिएक्शन यात्रियों का हम ले रहे हैं। पीके जैन सर, क्योंकि आपने महाराष्ट्र पुलिस में, ठीक है पीके जैन सर आपके पास हम आएंगे, उनसे संपर्क कट गया, लेकिन संदीप वोरा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आज की जो घटना है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्या वाकई में आप जरूरत इस बात की है कि जो आर्म फोर्सेस है, जो उनके वर्क प्लेस में किस तरह से स्ट्रेस लेवल को नीचे किया जाए, इसको कम किया जाए, इस पर आप सीरियसली सोचना होगा? 100% सीरियसली सोचना होगा। जैसे मैंने बोला, मेरा अपना आर्टिकल है इंडियन पुलिस जर्नल के अंदर, जो हमने स्क्रीनिंग की थी उसको हमने पब्लिश किया है 2017 में। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सारी अथॉरिटीज के साथ कि इस चीज को लाइटली ना लिया जाए, और हर तरह से, जैसे एनुअल चेकअप होता है, स्क्रीनिंग के अलावा काउंसलिंग सर्विसेज जिसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरवेंशन, एंड साइकेट्रिक सर्विसेज जिसमें साइकेट्रिस्ट के साथ अगर जरूरत हो तो मेडिसिन की इंटरवेंशन, ये सब होनी चाहिए। बट एक चीज हमें समझना है, कल्चर के अंदर आर्म फोर्सेज है या यहाँ पर, इस चीज को किसी को अगर प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की तो उसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इस स्टिग्मा को भी हटाना होगा। मान लीजिए किसी आम किसी कांस्टेबल को दिक्कत है तो वो हेजिटेट करेगा किसी भी तरीके से साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करने में, या वो अपने एचआर के पास नहीं जाएगा, अपने सुपीरियर के पास ये नहीं जाएगा कहने के लिए कि मेरी नींद खराब है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो उस चीज को देखते हुए आज की डेट में डिजिटल तरीके से हम एनोनिमिटी रख सकते हैं, हम सर्विसेज डिजिटली पूरी आर्म फोर्सेस में दे सकते हैं, जिसमें जो बिल्कुल सही बात आपने कही डॉक्टर संदीप वोरा, मेंटल हेल्थ को लेकर समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत भी है और मेंटल हेल्थ को तवज्जो देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जहां पर वर्क प्रेशर काफी ज्यादा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और बहुत सारे नए आइडियाज भी इस बातचीत के जरिए निकल कर सामने आए। सबसे बड़ा सवाल यही कि मास फायरिंग के पीछे मानसिक तनाव एक बड़ी वजह नजर आ रहा है, इसे कैसे कम किया जाए, इसकी कोशिशें कैसे जल्द से जल्द शुरू की जाएं।